नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। संभल में कोल्ड स्टोरेज में हुए हादसे के पीड़ितों का सीएम योगी ने अस्पताल पहुंचकर हाल जाना है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं संभल की, जहां पर कोल्ड स्टोरेज में हादसा हुआ था और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे और अस्पताल पहुंचकर सीएम ने घायलों का हाल भी जाना। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के इस हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका यहां उपचार चल रहा है। एक अन्य घायल व्यक्ति को मेरठ रेफर किया गया है। इस हादसे में 11 लोगों की दुखद मौत हुई है। सरकार ने, हम लोगों ने प्रदेश, मैंने प्रदेश शासन की ओर से मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए दोषी जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। इस पूरी घटना के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। मृतक के परिजनों को हम लोगों ने राज्य मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल परिवारों को भी 50,000 रुपए की सहायता देने के साथ ही जो कृषक हैं या फिर कृषि कार्य के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री, उन मृतक परिवारों को भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सहायता कराने के लिए आदेश दिए गए हैं। रेस्क्यू कार्य अभी चल रहा है, पूरा रेस्क्यू संपन्न होने के बाद ही और पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में जिला प्रशासन और मंडलायुक्त के स्तर पर वहां पर सभी तथ्यों को सामने रख करके जो भी विधिक कार्रवाई होगी वह उसे आगे बढ़ाया जाएगा। पहली प्राथमिकता रेस्क्यू के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को जीवित बचाने का है। अब तक 11 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है, जिनमें 5 का उपचार चल रहा है। 6 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उनके घरों को भेजा जा चुका है। मैं यहां पर एडमिट उन 4 लोगों से भी मिला हूं जो यहां तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के इस हॉस्पिटल में जिनको उपचार चल रहा है और एक मेरठ रेफर किए गए हैं। मेलपुरी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नगरिया अंगौथा में भागवत कथा कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार को घेरते हुए कई बड़े बयान दिए। पार्लियामेंट में अडानी पर जांच को लेकर विपक्ष द्वारा ईडी और सीडी पर आरोप के सवाल पर भी अखिलेश ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है और इसलिए सरकार है क्योंकि संविधान में विपक्ष की भूमिका सवाल करने की है। ये बीजेपी सच नहीं सुनना चाहती। अगर कोई लोकतंत्र में और खासकर हमारा पत्रकार भाई अगर कोई खबर सही चलाना चाहेगा तो बीजेपी के लोग प्रशासन के इशारा कर देंगे कि इसको जेल भेज दो, झूठे मुकदमे लगा दो, हत्या हो जाएगी, हत्या कर देंगे, लेकिन धारा 302 नहीं लगेगी। और जिसने कुछ नहीं किया होगा उसे मारपीट से लेकर के गंभीर धाराएं लगा देंगे। क्या जो संभल में पत्रकार था मंच में मारपीट की थी वो सब देखा है सबने, उसने मंच की मारपीट की धारा लगा के जेल भेज दिया। दलितों की जमीनों की खरीद फरोख्त करने में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति को समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ज्ञापन जिला सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है और SC ST विभाग के जिलाध्यक्ष बनवारी लाल कनौजिया के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष उत्कृष्ट अवस्थी ने बताया कि एक साजिश है जिसके तहत दलितों की भूमि को पूंजीपतियों को देने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है।
कांग्रेस सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था कानून अधिनियम 1950 कानून एक बनाया था, जिसमें दलितों की जो भूमि है जी, वो 3.25 एकड़ से अगर अधिक है तो उसको कंडीशनल जिलाधिकारी की परमिशन के बाद में ही उसकी खरीद फरोख्त हो सकेगी। समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस कानून को निष्क्रिय करने के उपाय कर रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी संदर्भ में है कि हमारी कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। श्रावस्ती में क्राइम ब्रांच और थाना सिरसिया पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए फरार आरोपियों को पकड़ा है। और आपको बता दें कि गोमग में फरार चल रहा आरोपी पुलिस मुठभेड़ में यहां पर गिरफ्तार हुआ है। साथ ही एक अवैध तमंचा और गोवध करने में इस्तेमाल करने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। श्रावस्ती थाना सिरसिया क्षेत्र के औरा इमली जंगल में गोवध की घटना हुई थी, जिस संबंध में धारा 389-411 के तहत मामला दर्ज हुआ। नामजद आरोपी बाबू खां निवासी हेमपुर और अभियुक्त अनिल सिरसिया को औरा इमली जंगल से गिरफ्तार किया गया था और दो आरोपियों अभी भी मौके से फरार हैं। झांसी की मऊरानीपुर तहसील में फिर से बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बार बाइक चोरों को पब्लिक ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने आए नवादा निवासी ने अपनी बाइक अस्पताल के सामने खड़ी कर इलाज के लिए उपचार के लिए डॉक्टर के पास चला गया था। इस दौरान जब वापस हमारे यहाँ से मोटरसाइकिल की चोरी हो गई। कहाँ से? यहीं अस्पताल के सामने सरकारी। कब? अभी हाल अभी 20 मिनट हुए हैं। कौन गाड़ी थी? HF डीलर से थी। नंबर जानती है क्या? नंबर का पता नहीं है सर। हाँ मिल गया। ये नहीं अस्पताल के डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि इस लड़का ने 6-7 मोटरसाइकिलों में अब मास्टर चाबी लगाई है, इसलिए इतनी में हमारी गाड़ी चोरी हो गई। और फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम की फसल को नुकसान, खराब मौसम होने से हो रहा है नुकसान, आम की फसल में लग रहा कीड़ा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फर्रुखाबाद से है। आम की फसल को नुकसान हो रहा है, मौसम खराब होने की वजह से नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि आम की फसल में कीड़ा लग रहा है, कीड़ा लगने से आम के बोर होंगे खराब, बोर खराब होने से नहीं लगेगा आम, फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र का मामला। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कायमगंज क्षेत्र में मौसम की मार एक बार फिर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। खराब मौसम के चलते आम की फसल को नुकसान, आम की फसल में लग रहा कीड़ा, कीड़ा लगने से बोर होंगे खराब और जिस वजह से अब आगे भी इन बोर पर आम नहीं लगेंगे। तो फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खराब मौसम ने एक बार फिर से आम किसान की चिंता बढ़ा दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है आम की फसल में कीड़ा लग रहा है, जिसकी वजह से अब किसानों को अपनी फसल की चिंता सताने लगी है। मौसम खराब होने की वजह से नुकसान हो रहा है और आम की फसल में कीड़ा लग रहा है, जिसकी वजह से अब बोर खराब होंगे और फिर आगे आने वाली फसल को भी नुकसान होगा। राजधानी लखनऊ में दो दिनों से खराब मौसम देखते हुए मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र में तैनात मौसम विशेषज्ञ आलोक कुमार पांडे ने बताया कि आज से 20 मार्च तक लखनऊ के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही अगले दो दिनों तक हवा की गति भी तेज रहेगी। सभी किसान भाइयों से लखनऊ जनपद के 8 ब्लॉक से निवेदन है कि अभी जैसे मौसम परिवर्तित है तो उसके अनुसार आप जो भारत सरकार के जो ऐप्स आते हैं मेघदूत और दामिनी ऐप, तो समस्त किसान भाइयों से निवेदन है कि आप अपने मोबाइल में जिसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन हो इंस्टॉल करके रखें, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं, जिससे क्या है कि मौसम का पूर्वानुमान आप उससे भी जान सकते हैं। जैसा कि कल से मौसम परिवर्तित हुआ है और आगामी 5 दिनों का जो पूर्वानुमान है, हम अगर उसकी बात करें तो आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान
17 से 20 सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट है। अगर हम बारिश की बात करें तो लखनऊ जनपद के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। आसमान में मध्यम से घने बादल भी छाए रहेंगे। हवा की गति जो है वह आपकी चलेगी। हमीरपुर जिले में एक किशोरी के अपहरण का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी किशोरी की बरामदगी नहीं हुई और न ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई, जिसको लेकर परिजनों ने अनशन शुरू कर दिया है। वहीं परिजनों ने अपहरण करने की साजिश करने वालों का भी नाम बढ़ाए जाने की मांग की है। मामला हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र का है, जहां से घर से विद्यालय गई 15 वर्षीय छात्रा 1 मार्च को सुबह 9 बजे घर से विद्यालय गई थी। छात्रा जहां से लापता हो गई थी, पुलिस ने गांव के पास से ही पतारा गांव के रहने वाले राम नरेश के ऊपर तमंचे के बल पर बाइक पर बैठाकर अपहरण कर मुकदमा दर्ज करवाया है। परिजनों ने अनशन शुरू कर दिया है और किशोरी की बरामदगी की मांग की गई है। एक मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है, जिसमें अपहरण का मामला है। लड़की नाबालिग है, उसकी पुलिस का मुकदमा भी दर्ज हो गया और आगे की बदारी कर रही है। ऑडियो भी आया है, जान संभालने की धमकी दे रहे हैं परिजनों। ये इसकी भी जांच की जा रही है और जल्द से जल्द लड़की बरामद कर लेंगे। मेरी बेटी 9 बजे घर से निकाली थी, पढ़ने बोल रही थी, पढ़ने जाती हूँ, अब स्कूल नहीं पहुँच पाई, बीच में घटना हो गई। ये मेरी बेटी खो गई हुई, गायब हो गई, पता नहीं चलता। तो आपने अभी कुछ किया? कुछ किया, हम थाने गए, थाने में नहीं सुनाई भाई, जो दिन चार दिन कर रहा है दरोगा, अब कोई सुनाई नहीं, जब हम सब कुछ सुनाई नहीं, जब इसीलिए हम बोल चाहे स्कूल जाते समय रास्ते में इसको पता नहीं, मतलब कि कहाँ से कैसे क्या हो गया कि ना स्कूल पहुँची है न कहीं आज तक पता चल रहा है। पता चला है आगे बढ़कर ये राम नरेश अपनी गाड़ी बाइक लेकर आया है, उसमें बैठा कर ले गया है। उसको ले जाने के बाद में राम नरेश के तहत केवल मुकदमा दरोगा साहब ने किया है। खबर श्रावस्ती से है, जहां क्राइम ब्रांच और थाना गिलौला पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आधार कार्ड बनाने में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित अन्य सामग्री भी बरामद की गई है, साथ ही बाइक भी सीज की गई। क्राइम टीम को एक मुखबिर द्वारा यह सूचना मिली कि 2 व्यक्ति हैं जो कि कटार गांव में फर्जी आईडी बना रहे हैं और आधार का एनरोलमेंट करवा रहे हैं। इस सूचना पर जब क्राइम टीम वहां गई तो रास्ते में उनको 2 व्यक्ति दिखे जो मोटरसाइकिल से आ रहे थे अलग अलग। जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो भागने लगे, उनका घेराबंदी किया गया और उनको रोका गया। दोनों के पास से थंब क्लोन मिला रबड़ का, इसके अलावा बायोमेट्रिक मशीन, फिंगर स्कैनर, कई प्रकार के आईडी कार्ड फर्जी और पेमेंट बैक के कार्ड और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। हमीरपुर जिले में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर विद्युत कर्मियों ने 72 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने पर जिला प्रशासन अलर्ट है, साथ ही कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से बिजली संकट का व्यवधान न उत्पन्न हो, इसको लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। देर रात कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मुख्यालय स्थित पावर हाउस पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हमीरपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विद्युत कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। अपने कहे अनुसार विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर पहुंच गए और 72 घंटे की यहां पर बिजली कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने पर जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से किसी तरह का बिजली संकट ना हो, इसको लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि देर रात कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की जानकारी मिली थी, जिसको लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मुख्यालय स्थित पावर हाउस पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। हमीरपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर विद्युत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। इससे पहले कर्मचारियों ने 72 घंटे की हड़ताल को लेकर जानकारी भी दी थी, जिसके बाद अब हड़ताल यहां पर शुरू कर दी गई है और बिजली संकट ना हो, इसको लेकर विद्युत विभाग भी अलर्ट मोड पर हो गया है।
मुरादाबाद की तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। आइए आपको लिए चलते हैं। किसी माटी के सपूत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ सहयोगी मंत्री, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रघुवीर सिंह जी, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ सहयोगी मंत्री हरदीप सिंह भोलक जी, माननीय विधायक श्री हृदेश गुप्ता जी, डॉक्टर जयपाल सिंह व्यक्त जी, श्री सत्यपाल सिंह सैनी जी, डॉक्टर हरि सिंह ढिगो जी, कुमार सुशांत सिंह जी, श्री गोपाल अंजान जी, स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, विश्वविद्यालय के वाइस चेयरमैन श्री मनीष जैन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शिपाली सिंह जी, श्री राजेश कुमार जी, श्री शांत त्रिवेदी जी, विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने वाले, डिग्री प्राप्त करने वाले और विश्वविद्यालय में अपने उत्कृष्ट शिक्षा के लिए देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर पहुंचे सभी मेरे युवा साथियों, दीक्षांत समारोह में जिन छात्र छात्राओं को आज उपाधियां प्राप्त हुई हैं, उनकी डिग्रियां प्राप्त हुई हैं, उन सभी अपने युवा साथियों का मैं अभिनंदन करते हुए उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक छात्र के लिए अपने जीवन की सफलता की एक नई सीढ़ी को चढ़ना, उच्च शिक्षा के लिए उपाधि को प्राप्त करना, उसके सपने को वास्तव में एक नई उड़ान देने जैसा होता है। वर्तमान के उच्च शिक्षा के दीक्षांत समारोह की बात करते हैं तो यह प्राचीन गुरुकुलों की उत्सवावर्तन समारोह का ही एक नया रूप है, जो गुरुकुलों में प्राचीन ऋषि परंपराएं परीक्षा पूर्व अपने को तैयार करने और नई कक्षा में जाने के पहले उन गुरुकुलों में आयोजित होते थे और सनातन समारोह का जो मंत्र है आज भी हम तैतृय परिषद में जब उनके बारे में पढ़ते हैं, उन दुनिया और उन जीव आदर्शों के बारे में को जानने का प्रयास करते हैं तो मंत्र ही इस रूप में है कि सत्यम परा धर्मम चरा।
नाम प्रमाण, यानी स्वाध्याय में किसी भी प्रकार का प्रमाण न करना, किसी प्रकार का आलस्य न करना, और फिर आगे इस सत्य से यानी विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में इस सत्य से न हटना, उस कार्य से कभी भी आलस्य न करना, महान बनने के अवसर से कभी भी अपने आप को वंचित न करना, पठन पाठन के कर्तव्य से अपने आप को विमुख न करना, अपनी विरासत का सम्मान करना, यानी देवता और पुत्रों के कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की कोई प्रमाद यानी कोई आलस्य न होगा। मुरादाबाद से आपको तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने सभी छात्रों और शिक्षकों को सबसे पहले तो उन्होंने स्वागत किया और उसके बाद में सभी दीक्षांत कार्यक्रम में उपाधि पाने वाले छात्रों को भी उन्होंने बधाइयां दी। अब आगे आपको लिए चलते हैं, वाराणसी में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। Now, I would like to call on the stage on women as you, Secretary, with his Attorney General, Mr. Jamil Khan, Nisa, and Official and School Secretary, Mr. और फिलहाल वीडियो में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।